सिखाने की जगह होती है।
यहाँ लोग सीखते हैं। बताइए उलमा के ऊपर जिम्मेदारी होती है, अगर शरीयत की रोशनी में अगर फैसला कर दे तो लोगों को तकलीफ होती है। ये महफिले रसूल है, बताए आज वैसे भी लोग मुसलमानों का दुश्मन बना फिर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, काफिरों का जो तरीका होता है उसको उसे अपनाते हैं। यहाँ महफिले रसूल सजाया गया है, ये सब जो बांधा जाता है मेहरबानी करके, आप इसके बदले जो लेना चाहते हैं खुशी से भी ले सकते हैं, लेकिन ये सब दुरुस्त नहीं है, ऐसा ना किया करें मेहरबानी करके। आज हम आप ऐसा करेंगे कल छोटे बच्चों के उससे भी पढ़ते करेंगे, इसलिए इस सब को इस रस्म को खत्म करने की कोशिश कीजिए। हमारे सर पे जिम्मेदारी है, अगर हम नहीं कहेंगे अपने घर के लोगों को तो फिर बाहर कौन कहाँ कहने जाएंगे, इसलिए दिल पे ना ले, मेहरबानी करके हाथ जोड़ करके, ये जो रस्म व रिवाज है ये जो है कटाया जाता है, रेबन कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है। अगर वाकई आप महफिल सजाते हैं नबी के मोहब्बत में छोटी सी बात के लिए, खुदा ना खासा अगर अल्लाह को घोरा लग जाए तो पूरी जिंदगी भर आप तड़पते रहेंगे, आप परेशानी में लोग करवा रहेंगे, है कि नहीं? तो इस सबको खत्म करने की कोशिश कीजिए। शेर अच्छा लगा है ना, मैं शेर पढ़ता हूँ, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन जो देखता हूँ शरीयत कल कयामत के दिन हमसे भी हिसाब लिया जाएगा तो हमें भी पकड़ में आनी है, इसलिए जो कहना था मैंने कह दिया है। हम मोहतरम साहब कह रहे हैं रसूलल्लाह, माँ बाप के चाहने वाले जिनके माँ बाप नहीं है, अल्लाह पाक अपने माँ बाप को सलामत रखे, जिनके माँ बाप है उनके माँ बाप नहीं है उनके उन्हें जन्नत में फिरौस में आला मकाम अता फरमाए, जिनके माँ बाप बनाया थे जन्नत में आने कहने सुभानअल्लाह के अपने हमारे लिए, मैं बेच करता हूँ नहीं तो कम से कम आधे बजे आते हुए यही कामयाबी है।